ये कहानी है तब की जब मैं एबिस वर्ल्ड में खो गया था। चारों तरफ एकदम अंधेरा था और बहुत ही डरावनी आवाजें आ रही थी। मैं सच में बहुत ज्यादा डरा हुआ था, लेकिन मैं ये एबिस वर्ल्ड में पहुंचा कैसे और ये एबिस वर्ल्ड होता क्या है? जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा कुछ समय पहले, जब मैंने एक माइनक्राफ्ट का नॉर्मल सा वर्ल्ड बनाया था। उस वर्ल्ड में मेरे दो और भी दोस्त थे, लेकिन वो दोनों लड़ाई कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ एक पेट के कारण, और मैं नहीं चाहता था कि मेरे दोस्त लोग सिर्फ कुछ जानवरों के कारण एक दूसरे से लड़ाई कर ले। तो इसलिए मैंने उनके दोनों जानवर को ही मार दिया, ना रहेंगे जानवर और ना वो लड़ाई करेंगे। तो उन्होंने लड़ाई करना तो बंद कर दिया, लेकिन वो दोनों फिर मेरे पीछे पड़ गए। ये दोनों अब मेरे खून के प्यासे हो गए थे। तो कैसे भी करके मैं अपनी जान बचाने के लिए इन दोनों से दूर भाग रहा था, और तभी मेरे को बाजू में एक पेड़ दिखा, जिस पेड़ के नीचे जब मैं गया तो वहां पे एक बहुत ही मिस्टीरियस पोर्टल था। मैं बहुत डरा हुआ था, इसलिए मैं उस पोर्टल के आर पार चले गया, और जब मैं उस पोर्टल के पार गया तब मैं इस एबिस वर्ल्ड में पहुंच गया। और अब अब मेरा यहाँ पे आर्मर वगैरह सब गायब हो चुका है, और बहुत ही अजीब अजीब आवाजें अभी भी आ रही है। लेकिन ये कौन है? एक मिनट, इसके पास जाके देखते हैं कौन है, शायद ये हमारी हेल्प कर दे, लेकिन ये मार भी सकते हैं। काम करते हैं, धीरे से जाते हैं, पूछते हैं कौन हो तू। हेलो सिद्धार्थ, ओके ये बात कर सकता है, लेकिन ये कुछ बोल नहीं रहा है मुंह से, बस ये टेक्स्ट कर रहा है। ओके तो एक काम करते हैं, मैं इससे पूछता हूँ कि मैं कहाँ पे हूँ और मैं यहाँ से कैसे निकल सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डरावनी हो गए। तो मैं एक बार इससे पूछ के आता हूँ जल्दी से। ओके गाइस, इसने मेरे को दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें बताई है जो हमारी बहुत हेल्प करेगी। फर्स्ट, ये एक पहले माइनक्राफ्ट का नॉर्मल वर्ल्ड हुआ करता था, लेकिन एक क्रोनोस नाम के क्रीचर ने इस पूरे वर्ल्ड को करप्ट कर दिया है, और यहाँ के सारे पेड़ पौधे सब करप्ट हो चुके हैं। तुम देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे भी कुछ ऐसे इफेक्ट आ रहा है। ये एक फियर का इफेक्ट है जो मैं थोड़ी देर में डरने वाला हूँ। तो ये मेरे को कह रहा है कि ये मेरी हेल्प करेगा यहाँ से निकलने के लिए, उसके बदले मेरे को क्रोनोस से फाइट करना पड़ेगा। पहली बात तो ये क्रोनोस कौन है नहीं पता, बट इसने मेरे को एक कोऑर्डिनेट्स दिए कि वहां पे मेरे को मेरे काम का सामान मिल जाएगा। तो एक काम करते हैं, जल्दी से हम वहां पे चलते हैं और देखते हैं हमारा पूरा मिशन क्या होने वाला है इस बार। और अब मैं उसके बताए हुए कोऑर्डिनेट्स पे तो यहाँ पे आ चुका हूँ। अरे ब्लाइंडनेस, ये क्या है, ये क्या क्या इफेक्ट मिल रहा है भाई? आई थिंक ये पेड़ के कारण मिला है मेरे को, पता नहीं मेरे को ये इफेक्ट कैसे मिला है। और उसने मेरे को कहा था कि यहाँ पे एक ओके ये रहा, उसने मेरे को कहा था कि यहाँ पे एक चेस्ट होगा। तुम देख सकते हो यहाँ पे बोन के कुछ आर्मर पीस पड़े हुए हैं, और यहाँ पे एक शील्ड, और ये टूटे हुए क्यों है बे? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे जैसे और भी लोग यहाँ पे आए थे? चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, हम सारे आर्मर को यहाँ पहन लेते हैं, और ये शार्पनेस वाला बोन का सॉर्ड है, इसको लेके अपन आगे चलते हैं, देखते हैं कि हमको और क्या मिल सकता है। क्योंकि उसने कहा था कि यहाँ पे आगे में एक कासल भी है, ये रहा वो कासल, तो इसके अंदर चल के देखते हैं। उसने बोला था कि यहाँ पे ट्रेजर है, और यार तुम देख सकते हो जैसे मैं स्ट्रक्चर के पास आया हूँ, यहाँ ऊपर में एक बॉस बार आ चुका है, और वहाँ पे एक अजीब सा क्रीचर है जो उस चेस्ट को गार्ड कर रहा है। आई थिंक उस चेस्ट में हमको हमारे नेक्स्ट क्लू मिल जाएंगे कि हमको इस मिशन में आगे क्या करना है। तो एक काम करते हैं, इसको अपन यहाँ से मारने का ट्राई करते हैं। क्या ये मेरे को देख सकता है? आई डोंट थिंक ये मेरे को देख सकता है। एक काम करते हैं, इसको अपन यहाँ पे मारने का ट्राई करते हैं, क्योंकि ये मेरे पीछे आ रहा है, थोड़ा मेरे को भागना पड़ेगा। काम करते हैं, गोल्डन एप्पल मैं ऑलरेडी एक खा लेता हूँ, और अब इससे लड़ते हैं। ओ भाई ये कितना ज्यादा हिट कर रहा है मेरे को, लेकिन हमारी सॉर्ड भी बहुत अच्छा डैमेज कर रही है। ये कहाँ है? ओके अभी भी ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। आई थिंक ओ नो, मेरा सॉर्ड टूट गया। आई थिंक मेरे को यहाँ से भागना पड़ेगा। कुछ ब्लॉक्स कलेक्ट कर लूँ मैं जल्दी से। अभी भी आई डोंट थिंक कि हमारा पूरा यहाँ पे काम खत्म हुआ है, अभी भी हम इससे लड़ सकते हैं और इसको मार सकते हैं। हमको यहाँ से जल्दी से यहाँ सारे ब्लॉक्स कलेक्ट करने पड़ेंगे, उसके बाद मैं अगर यहाँ पे बिल्डअप कर दूँ। यस, ये मेरे को नहीं रीच कर पा रहा है, लेट्स गो। हमारा शॉट तो यहाँ पे टूट चुका है, लेकिन मैं इसको इस तरीके से तो मार ही सकता हूँ। हाँ तुम ऊपर बॉस बार देख सकते हो कितना धीरे धीरे मूव कर रहा है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, बट हम इसको मार ही देंगे। तो एक काम करते हैं, इसको जल्दी से मैं हाथ से मार देता हूँ। ओ माय गॉड, ये मर चुका है। काम करते हैं, ये क्या मिला है हमको? एल्डर आई। ओके ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि एल्डर आई करके कुछ होता है। मेरी स्क्रीन तुम देख सकते हो पूरी किस तरीके से हो गई है, हमारा आर्मर भी यहाँ पे ऑलमोस्ट टूट चुका है, और हमारा सॉर्ड भी गायब हो चुका है। अब इसके अंदर अगर कुछ लूट नहीं मिला ना, तो भाई हमारा हालत बहुत खराब हो जाएगा। तो एक काम करते देखते। ओके यहाँ पे ये क्या है? फ्यूजन इंगट। ओके ये सारे मैं कलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, और ये ओह पावर मेलन, ये क्या है? ओ माय, ये क्या हुआ?
मेरे को फियर का इफेक्ट मिला और ब्लाइंडनेस टू किसी ने दे दिया है। अरे कैसी कैसे, ओ माय गॉड, मेरे को बहुत डर लग रहा है। ये कैसे कैसे म्यूजिक बज रहे हैं, आई थिंक कोई आ रहा है। मेरे को बहुत डर लग रहा है, मैं जल्दी से इसको लूट लेता हूँ यहाँ पे। ओके ओके, आई थिंक मैं बच गया हूँ। वो फियर का इफेक्ट जा चुका है। बाप रे, ये मैं कैसे वर्ल्ड में आ चुका हूँ। एक काम करते, ये सारा अपन निकाल लेते यहाँ से, ये सब पहन लेते। आई थिंक ये बेटर है थोड़ा उस आर्मर से, यस ये थोड़ा सा बेटर है। यहाँ पे मेरे पास थोड़े और टूल्स भी आ चुके हैं। यहाँ पे रेसिपी दी हुई है, आई थिंक इस रेसिपी में हमारे आगे जाने का क्लू भी दिया होगा। तो मैं जल्दी से इस रेसिपी को देखता हूँ, इसमें क्या लिखा है, मैं पढ़ के तुमको जल्द से जल्द अभी बताता हूँ। योर स्क्रेट, टेक केयर। फिर से मेरे को फियर का इफेक्ट मिल गया, मेरे को जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा। आई थिंक फिर से वो खतरनाक म्यूजिक बज रहा है यार। एक काम करते, मैं थोड़े टाइम के लिए ना अंदर ब्लॉक हो जाता हूँ। ओके, तो वो फियर का इफेक्ट फिर से जा चुका है। एक काम करते हम जल्द से जल्द ना इस एरिया से निकलते हैं, किसी और एरिया में चलते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे तो मेरे को लग नहीं रहा कि मैं सर्वाइव कर पाऊंगा। इधर से जल्दी से अपन निकलते हैं। ओके, तो मैं एक बहुत ही अजीब से बायोम में यहाँ पे आ चुका हूँ। यहाँ पे तुम देख सकते हो, ये भी नॉर्मल माइनक्राफ्ट का मेरे को बायोम लग नहीं रहा है। पेड़ यहाँ पे कितने लंबे लंबे, स्प्रूस के शायद होंगे ये, पता नहीं कौन से। तो अभी मैं इस रेसिपी बुक के अंदर देखने वाला हूँ कि इसके अंदर क्या है। ओके, रोका मेंशन, ओ ये कोई रेसिपी बुक नहीं है, इसके अंदर और भी कोऑर्डिनेट्स है, और इसमें लिखा हुआ है रोका के मेंशन का कोऑर्डिनेट कहाँ पे। ओके, तो आई थिंक यहाँ पे रोका का मेंशन है, इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। और एक काम करते हैं, F3 दबाते हैं और चलते हैं रोका के मेंशन पे। ओके, तो मैं उनको जल्दी से वहाँ जाके मिलता हूँ। तो गाइज, मैं उस लोकेशन पे पहुंच चुका हूँ, और यहाँ पे मेरे को दूर में कुछ अजीब से क्रीचर्स दिख रहे हैं। एक बहुत ही बड़ा सा मेंशन टाइप का यहाँ पे दिख रहा है, आई थिंक ये वही मेंशन है। और ये देख रहे हो तुम लोग किस तरीके के क्रीचर्स है यहाँ पे। आई थिंक मैं इनसे छुप छुप के जाने का ट्राई करता हूँ, अगर ये मेरे को नहीं देखते तो अच्छी बात है। या तो एक काम करते, इनको एक एक करके मैं लड़ता हूँ। ओके ओके, मेरे को तो लगा ये मेरे को देख ही नहीं सकता है। ओके, ये मेरे को देख सकता है, और ये कितना ज्यादा है भाई, ये क्या क्या इफेक्ट दे रहा है मेरे को। कुछ मेरे पीछे पड़ा आई थिंक, ये क्या था। नो, मेरे को इनसे एक एक करके लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये खुद एक मिनी बॉस इसके जैसे हैं। तो मेरे को इनसे एक एक करके लड़ना पड़ेगा। काम करते हैं, मैं बोस से किसी को अपने पास बुलाने का ट्राई करता हूँ। एक वहां पे खड़ा है, चलो ये वाला भी यहाँ पे मर गया। और ये लोग मेरे को कोई नाइट का शार्ट, आई थिंक ये भी हमारे बाद में काम आ सकता है, तो इसको भी मैं रख लेता हूँ यहाँ पे। और मेलन खाने का और गोल्डन एप्पल खाने का टाइम आ चुका है। और चलो अब चलते हैं इस कैसल के अंदर। होपफुली यहाँ पे ये ज्यादा नहीं हो, मेरे को लग तो रहा है कि ये लोग कहीं पे भी हो सकते हैं। तो एक मिनट, यहाँ पे इतने सारे लोग क्यों है। आई थिंक यहाँ पे कोई ट्रेजर पक्का छुपा होगा जिसको ये लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं, लेकिन यार ओके ओके, एक एक पीछे पड़ गया है मेरे, दो मेरे पीछे पड़ चुके हैं। अब आगे चलते हैं, आगे और दो है। अगर इन दो को मार दिया अपन, तो आई थिंक ये लोग पीछे में, ओके पीछे में कोई चेस्ट रखा हुआ है। एक और मेरे पीछे पड़ चुका है, ये भी मर गया। ओके, हमने सारे नाइट को यहाँ पे मार दिया है, और यहाँ पे चेस्ट रखा हुआ है। इस चेस्ट के अंदर देखते हैं। ओके, ओ गोल्ड, एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल, एंड एक और रेसिपी की बुक रखी है यहाँ पे। ओके, आई थिंक ये इस रेसिपी बुक में कुछ और लिखा होगा, उसको भी अपन खोल के देखेंगे। लेकिन यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो मेरे को एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल, और यहाँ पे इतने सारे आर्मर के पीसेस, और इतना सारा, ये किस टाइप का यार। लेकिन यू नो राइट, नेदरराइट का फ्यूजन है। ओके, एक काम करते हैं, इस वाले आर्मर को अपन पहन के देखते। ओहो भाई, आयरन मैन लग रहा हूँ मैं तो एकदम, यार क्या कूल लग रहा हूँ मैं। लेकिन यार मेरे को शक हो रहा है कि इन्होंने हमको इतना सारा इम्पोर्टेंट और अच्छा अच्छा आइटम दिया ना, इसका मतलब पक्का यहाँ पे कोई ना कोई बॉस होगा। तो एक काम करते हैं, मैं एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल चबा लेता हूँ, और इस पूरे मेंशन के ना ऊपर, ओके यहाँ पे और भी नाइट्स अभी भी बचे हुए, इस पूरे मेंशन के ना ऊपर चल के देखते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या है। यार तो मैं धीरे धीरे करके यहाँ पे ऊपर आ रहा था, और तुम लोग देख सकते हो द रोका करके ऊपर में एक बॉस बाहर आ चुका है। और यहाँ पे आई थिंक मैं टॉप फ्लोर पे भी पहुंच चुका हूँ। यहाँ से ऊपर चल के देखते हैं अपन क्या है यहाँ पे। एंड भाई आई थिंक ये रोका है, और वहाँ पे एक और चेस्ट है, आई थिंक वो हमारा फाइनल चेस्ट होने वाला है। इसने मेरे को, क्या ये मेरे को देख सकता है। ओके ओके, ये देख सकता है मेरे को। ओ भाई, मेरा पूरा एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल का हेल्थ ले गया ये। ओके ओके, गोल्डन एप्पल के साथ इससे लड़ना बहुत आसान पड़ रहा है मेरे को। ओके
ओके ये मर चुका है, देखो ये मर गया। यार मेरे को ये एक मिनट, ऊपर तीन, ओ भाई ऊपर तीन और रोका के। ओके ओके आई थिंक मेरे को अभी तीन और इफेक्ट आ गए रोका वाले। मेरे को लगता है इन सब से एक साथ करना पड़ेगा। ओ मेरे को जल्दी से, ओ भाई इन भाई साहब को तो पता भी नहीं है कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। ओके इन सब से मेरे को लगता है एक साथ ही लड़ना पड़ेगा। ओके एक मर चुका है, जल्दी से मैं एक और एप्पल यहाँ पे चबा लेता हूँ। लेकिन इनसे लड़ना उतना ज्यादा मुश्किल मेरे को लग नहीं रहा है ये। और किसी के साथ फाइनली हमने ओके ओके हमने सबको मार दिया यहाँ पे। अब देखते हैं हमको हमारे चेस्ट में क्या मिलेगा। यार मैंने ये रोका को तो मार दिया, लेकिन तुम देख सकते हो ऊपर में अजीब से और भी बहुत सारे बॉस पर आने लगे हैं। पता नहीं कोई लाइट प्लेट करके कहीं पे, एक मिनट, ओ ओ भाई ये क्या, मैं हवा में उड़ रहा हूँ। आई थिंक कोई लाइट प्लेट करके स्पॉन हो गया है यहाँ पे। और ये पता नहीं मेरे को कैसे मार रहा है, अभी मैं हवा में कैसे उड़ रहा हूँ, कहाँ गया ये है क्या, फिर से मैं हवा में उड़ रहा हूँ। यार ये क्या हो रहा है, नहीं 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 मेरे को लैस तक पहुंचने दे, नहीं 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 वेट 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 नहीं 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 नहीं, 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 नहीं।